मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, बन चुकी है भिंडी की सब्जी। और एक चूल्हे पे आप चाय देख सकते हैं, चाय भी बन चुकी है। और बस अब प्लेन रोटियां बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से पराठे खा रहे थे तो बोर हो गए थे, तो इसलिए आज मैं प्लेन रोटियां बना रही हूँ। मॉर्निंग के 10 और मैं आपको ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज बनाई है मैंने भिंडी की सब्जी, मसालेदार भिंडी, और तो प्लेन रोटी बना रही क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पराठा बन रहा था रेगुलर, तो फिर बोर हो गए थे पराठे से, इसलिए आज मैं सोचा कि मैं प्लेन रोटी बना रही हूँ। मेरा जो ये चूल्हा है ना, इसमें मेरे फुलके बहुत कम बनते, पता नहीं क्या रीज़न है। आई थिंक जो हम क्या बोलते हैं इसको, जो होता है ना स्टैंड, ये बहुत नुकीला है, तो फिर रोटी जैसे रखिए फट जाती है उसमें। और ये गए नहाने के लिए, सौम्या की अंदर क्लास चल रही है, ज्यादा तेज नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी टीचर गुस्सा होती है। तो ये देखिए, ये चाय बन गई मेरी और ये है भिंडी की सब्जी, मसालेदार भिंडी की सब्जी है, और रोटियां बना रही हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म नाश्ता बिल्कुल रेडी है, और भिंडी मेरी फेवरेट भी है, तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, भिंडी की सब्जी, चाय एंड रोटी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। अभी नीचे फ्रूट्स और सब्जी वाला आया था, तो उससे मैंने ये सब्जियां और फ्रूट्स लिए हैं। और मैं यहाँ पे ये भिंडी जो है एक कंटेनर में रख रही हूँ, एक डोंगे में। ये भिंडियाँ मॉर्निंग में जो मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी और थोड़ी बच गई, इनको शाम को बनाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी सब्जी या फ्रूट्स लेती हूँ तो मैं उसको उस दिन यूज़ नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं यूज़ करती हूँ। बट अभी मैं वॉश करके रख दूँगी, और क्योंकि आफ्टर 12 आवर्स जो ये जर्म्स हैं ये मर जाते हैं, तो इसीलिए जो मैं ऐसा करती हूँ। और ये प्लेट वगैरह मैं वॉश कर दूँगी क्योंकि इसमें मैं फ्रूट्स वगैरह रखूँगी अभी। तो बस यही है, और आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए क्योंकि कुछ सब्जियां तो ऐसे होती है, जैसे घिया हो गया या फिर तोरी हो गई, ये जो पकने वाली होती है ना, तो उनको तो धोने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, बट जो चीज़ आपको इंस्टेंट खानी है उसको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे यूज़ करना, और तब तक धो के आप उसको रख सकते हो 12 घंटे के लिए। तो यही कर रही हो। यहाँ पर मैंने दाल उबालने के लिए रखी है जिसमें कि उबाल आ गया, आई थिंक पानी ज़्यादा उसमें लग गया है।
सारे सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह धुल गए हैं, और ये धनिया भी मैंने छाट के रख दिया था। इसमें कुछ गली हुई पत्तियां थी तो जिसको मैंने हटा दिया और धो के इसको रख दिया है। और उसके बाद जो ये कपड़ा है साफ़ सफाई वाला, इसको मैं अच्छे से धो के निचोड़ के सुखा दूंगी। इसको मैं साफ़ सफाई के लिए यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं फल सब्जियाँ वगैरह धो लेती हूँ उसके बाद मैं डिटॉल से अच्छे से अपने हाथों को वॉश करती हूँ इस तरीके से। और उसके बाद जो है मैं अपना और काम करती हूँ। तो अभी मुझे लस्सी बनानी है क्योंकि हम हर रोज़ लस्सी पीते हैं या फिर कभी लेमनेड पीते हैं, तो इस तरीके से जो है हम कुछ ना कुछ ठंडा पीते हैं क्योंकि गर्मियाँ चल रही है और हमें अपनी बॉडी को जो है ठंडा रखना होता है गर्मियों में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं लस्सी। और आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि दही लस्सी वगैरह जो है ना आप ज़्यादा यूज़ कीजिए गर्मियों में, क्योंकि इस टाइम पे पीलिया वगैरह होने का डर रहता है। तो अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा है। तो इसलिए जो है मैं लस्सी या कभी लेमनेड इस तरीके से हम कुछ ना कुछ ठंडा पीते ही हैं। सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे मेरी बेटी मैंगो खा रही है, सौम्या। सौम्या को जब मैंगो खाते हुए देखती हूँ ना ऐसे, तो मुझे अपनी पुरानी यादें आ जाती है। तो जब मैं छोटी थी बिल्कुल इसी तरीके से मैंगो की बहुत ज़्यादा दीवानी थी। मतलब मैंगो आ गया घर में तो मैं चुरा चुरा के कब ख़त्म कर देती थी, मम्मी को पता ही नहीं चलता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, पेरेंट्स जो है खुद बांटते थे बच्चों को, जो भी फ्रूट्स है सब बराबर बंटता था सभी को। तो अब तो ऐसा नहीं है, मतलब अब जो है बच्चों को जो चाहिए वो मिल जाता है। अभी इनको चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं लूडो। से खुलेगी तो यहीं रहेगी, रुको ये बाहर है, खुल के यहाँ पे आएगी। ऐसा नहीं, वहीं पे रख दो ना स्टार्ट पे। खुलेगी यहीं पे? हाँ पता से खुल गई। मेरे बाद आपने क्या बाद मेरी थी ना? लाओ मेरी कहाँ खेले तुम? चलाओ क्यों मेरी वाली थ्री बढ़ाना मेरी। हमारी तो खुलेगी नहीं और मम्मा ऊपर पहुंच जाएगी। चलो कितना हिला ला के टू मेरा वन टू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? और यहाँ पे है सौम्या। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मुझे मॉर्निंग में जो है बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मॉर्निंग में बिजी थी काफ़ी, और तो फिर मैंने सोचा शाम को ही तसल्ली से, क्योंकि हम लेडीज़ के पास जो होता है ना शाम का टाइम एक ऐसे टाइम होता है जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता। तो मैंने सोचा शाम को ही जो है मैं आप लोगों से बात करूंगी। और काफ़ी लोग जो है जो मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सच में। दिल से वेरी वेरी थैंक यू यार कि तुम लोग जो है इतना अपना कीमती वक्त में से जो है मेरे लिए वक्त निकालते हो, मेरी वीडियोस देखते हो और साथ में कमेंट भी करते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज जो है अभी डिनर की तैयारी होने वाली है। दिन में मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं करा था, मतलब शूट नहीं करा था, मॉर्निंग में शूट करा था, उसके बाद अभी मैंने फ़ोन उठाया।
और शाम को मैं सौम्या के साथ जो है वो खेल रही थी लूडो, तो अभी उठाया मैंने फोन। अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे आज वीडियो शूट करती हूँ तो दूसरे दिन जो है एडिट करके डालती हूँ, तो आज की वीडियो से कल आपको मिलेगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ आजकल, जिससे कि मुझे सौम्या के साथ खेलने का थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। तो बस ये इसको मैं अभी बाहर फिर से भेजना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ बाहर भेजना। तो डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू भिंडी, क्योंकि भिंडी जो है मैंने सुबह थोड़ी सी बनाई थी और बची हुई है भिंडी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आलू भिंडी बना देती हूँ, और दाल मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी हुई थी दिन में, तो दाल तो हो जाएगी। तो ये कर रहे हैं अभी अपना ऑफिस का काम, और बस मैं डिनर की तैयारी करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं करती हूँ अपना काम। तो अभी डिनर की तैयारी हो रही है, और डिनर में मैं बना रही हूँ आलू भिंडी, और यहाँ पे मैंने जो है अजवाइन का तड़का दे दिया, उसके बाद 1 पिंच मैंने हींग इसमें डाल दी, और उसके बाद मैं रफली कट किए हुए लंबे लंबे प्याज इसमें डाल दूँगी, और हल्का सा प्याज को मैं फ्राई करूँगी। जैसे प्याज सॉफ्ट होने लगे उसके बाद मैं इसमें कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी। तो ये जो प्याज है हल्के हल्के मैंने फ्राई कर लिया, और अब ये कटे हुए आलू भी मैंने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद जो है हल्का इसको भी मैं फ्राई करूँगी आलू को, और उसके बाद कटी हुई भिंडियाँ डाल दूँगी, और भिंडी डालने के बाद सारे मसाले ऐड कर दूँगी, जो मसाले नॉर्मली सभी डालते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च वगैरह सब, और अमचूर। तो बस दैट्स इट। उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, और भिंडी बन जाएगी। तो ये देखिए यमी यमी आलू भिंडी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं थाली लगा रही हूँ, और दाल मैंने जो है दिन में एक्स्ट्रा बना दी थी, तो दाल बनाने की मुझे फिर से ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे मैंने दाल निकाल ली है, और सैलेड भी कट करके रख दी है, तो बस सब्जी और रोटी वगैरह सब निकालूंगी और थाली परोसूंगी। और आप लोग भी कर लीजिए डिनर हमारे साथ में। आई विश आप लोग को भी खिला पाती, लेकिन आप कैमरे से खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।